बुधवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के 24 केंद्रों पर 6,303 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 5,088 तथा सेकेंड डोज लेने वालों में 1,215 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि जिला अस्पताल में 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, एम्स, मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर क्लब सहित 24 केंद्रों पर कोविड का वैक्सीनेशन किया गया। नगरीय क्षेत्रों में कुल 10 बूथ बनाए गए थे। सीएमओ ने जनता से अपील करते हुए कहा कि कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, भीड़भाड़ वाली जगहों पर बिल्कुल ना जाएं, कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर क्लब की वैक्सीनेशन प्रभारी डॉक्टर मनीषा और सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, डॉक्टर मनीषा है। हमारी टीम जो है वो केयर इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ काम कर रही है इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट सिस्टम। गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम जो है वो हमें वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं और उनकी मदद से हम लोग यहाँ पर 500 से 1,800 ऐसे डेली का हमारा यही काउंट है, 500 से 1,000 के बीच में टीका लग जाता है और डेली यहाँ पर 800 से 1,000 तक की भीड़ होती है और हम लोग उनका टीकाकरण कर देते हैं। जो वायल्स हमें सरकार की तरफ से मिलती है वो प्रॉपरली यहाँ पर मैनेज करके हर एक को वैक्सीनेशन किया जाता है, जिसमें बूढ़ों को प्रिविलेज दिया जाता है, उसके साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाएं उनको प्रिविलेज दिया जाता है, उसके साथ जो माताएं हैं अपने बच्चों के लेके आई है उनको भी अलग से प्रिविलेज दिया जाता है। स्टाफ हमारे यहाँ टोटल जो है वो 35 स्टाफ है और सब यहाँ मिलके शिफ्ट वाइज अपना काम करते हैं और इसी प्रकार से हम भीड़ को भी हैंडल कर सकते हैं और अंदर जो वैक्सीनेशन चल रहा है वहाँ पर भी हैंडल हो जाता है। आज 24 जगहों पर हमारे जिले में वैक्सीनेशन हो रहा है। आज क्योंकि रूटीन इम्यूनाइजेशन का बच्चों का सेशन चल रहा है, इसलिए कम जगहों पर कोरोना वैक्सीनेशन हो रहा है। इन 24 जगहों में हमारा जिला अस्पताल दोनों महिला और पुरुष, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, संक्रामक रोग और हमारी सीएससीपीएससी पर वैक्सीनेशन हो रहा है। सर, नगरीय क्षेत्र में कितने केंद्र हैं? नगरीय क्षेत्र में हमारे 10 केंद्रों पर वैक्सीनेशन चल रहा है और बाकी हमारे रूरल एरिया में वैक्सीनेशन चल रहा है। सर, जनता से क्या? जनता से हमारी अपील है कि कोरोना के दूसरे प्रदेशों में कोरोना की संख्या बढ़ रही है और हमारे जिले में कोरोना संक्रमण बिल्कुल कंट्रोल स्थिति में है। आज के दिन में हमारे पास सिर्फ 15 एक्टिव केसेस हैं, सभी स्वस्थ हैं, सभी अपने घरों पर हैं।
हमें जनता से अपील है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन करें, भीड़ भाड़ वाले में बिल्कुल नहीं जाएं। इवन आप वैक्सीन लगवाने भी आते हैं तो वैक्सीन सेंटर पर अगर भीड़ है तो उसको आप लौट जाएं, दूसरे समय जब भीड़ कम हो जाए तब लगवाएं, जिससे कि भीड़ भाड़ में कोरोना के संक्रमण से आप अपने को भी और दूसरे को भी बचा सकें। और कोरोना के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें। जब तक कि कोरोना को हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर देते हैं तब तक कोरोना के नियमों का पालन करें और अपनी बारी का वैक्सीनेशन के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करें और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। यही सबसे महत्वपूर्ण 2 चीज़ें हैं जिससे हम कोरोना को के ऊपर विजय हासिल कर सकते हैं।